जब ये 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है और लाली जी का परिवार बस वही है, रावड़ी देवी है, मतलब उनकी फैमिली जो है 10 लोगों की, बस वही उनका परिवार है। कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, मोदी का इतना लालू यादव परिवार है मोदी के, क्यों नहीं है? पूरा देश मोदी का परिवार है, किसने का, कितना बड़ा देश है, ये किसका परिवार है? ये मोदी का परिवार, हम मोदी के, हम हमारा मोदी देश भारत पे बहुत ज्यादा भरोसा कर, ठीक है, और मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ा काम तो ये है, श्री राम जी का मंदिर बड़ा है इसलिए वोट देंगे, बाकी काम तो बहुत है, अनेकों काम है, वो गिनाने के लिए टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ा काम है श्री राम जी का मंदिर बनाया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी सरकार 100% वापस आएगी। हम लोग राहुल गांधी को पसंद का नहीं करते, दिक्कत क्या है? एकदम पसंद करते हैं, जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको कुछ कार्टून दिखाने के लिए उन्हीं को तो चेहरा दिखाया जाएगा। विपक्ष के नेता है जो उनकी 5-10 सीटें बची है ना, बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएंगी। खत्म, हमारे समय में 3 दिन लाइट हमारे यहाँ रहती थी और 30 दिन गायब रहती थी, ये हम अपने बात बता रहे हैं, ठीक। जब से मोदी सरकार आया है, ठीक है, उसमें 3 घंटे हम शायद ही कभी लाइट भागते हुए देखे हैं। मैं आपका रंजीत चौहान, कहाँ के रहने वाले? यूपी गोरखपुर, बाबा की नगरी। कैसे काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी? बेटो आपको सबको नजर आ रहा है, योगी और मोदी का जोड़ी जो है, लोग सोच रहे हैं कि टूटेगा ये, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जल्दी इनका भारत छोड़ने का प्रतिबंध हो जाएगा, इनके निकल लेंगे, निकल जाए एकदम आराम से। अभी तो 2-4-10 सीटें इनकी बची जो है ना, वो भी खत्म होने वाली। हम लोग राहुल गांधी को पसंद का नहीं करते, दिक्कत क्या है? एकदम पसंद करते हैं, जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको कुछ कार्टून दिखाने के लिए उन्हीं को तो चेहरा दिखाया जाएगा। अच्छा, ठीक है, उनकी चुटकुले बहुत अच्छी बातें हुए बोलते हैं, वे हम लोग के लिए अच्छे बोलते हैं, कि जैसे बीजेपी के लिए हमेशा उल्टा बोलते, फंस खुद जाता है बेचारा, काम की बात कोई करता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी करेगा क्या? बस भारत छोड़ो जोड़ो यात्रा ये सब, वो जोड़ो यात्रा को छोड़ के अगर वो कह दे हमारी फैमिली भारत छोड़ो यात्रा, तब समझ में आएगी। मतलब राहुल गांधी भारत को छोड़ दे, वो भारत के निवासी है, वो भी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है जो उनकी 5-10 सीटें बची है ना, बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, तो 2024 में सरकार किसकी है? फिर से once more again अभी दो चार कह रहे, जब तक मोदी है मोदी, जब क्यों मोदी है, कारण क्या है? आपको हर चीज में विकास से लेके, ठीक है, भारत जो हम लोग का लेवल पिछड़ा, बहुत पिछड़ा रहता था, आज के डेट में हर एक देश भारत पे बहुत ज्यादा भरोसा करता, ठीक है, और मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी सरकार के 4-5 काम आप बताएं बेहतरीन, जो आपको लगा हो अच्छा, और कुछ ऐसे काम भी बताएं जो होना चाहिए था और नहीं हुआ है। काम फर्स्ट चीज मेरा रेल का, सॉरी नेटवर्क, जैसे रेल का भी है, रेल का, सड़क का है, ठीक है, बिजली का है। हमारे समय में 3 दिन लाइट हमारे यहाँ रहती थी और 30 दिन गायब रहती थी, ये हम अपने बात बता रहे हैं, ठीक। जब से मोदी सरकार आया है, ठीक है, उसमें 3 घंटे हम शायद ही कभी लाइट भागते हुए देखे हैं, शायद ही कभी देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने यहाँ 3 घंटे लाइट कभी भागते हुए नहीं देखे। अच्छा, लालू यादव को जानते हैं? अरे वे तो चारा लेके निकलेंगे। लालू यादव कह रहे थे गांधी मैदान से, मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, सही में ऐसा है क्या? जब ये 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है और लाली जी का परिवार बस वही है, रावड़ी देवी है, मतलब उनकी फैमिली जो है 10 लोगों की, बस वही उनका परिवार है, और मोदी जी का 140 करोड़ जनता परिवार है, ठीक है। अच्छा, लालू यादव ये भी कह रहे थे कि उनका तो सनातन से कोई रिश्ता ही नहीं है, उनकी माँ गुजरी, वो सर नहीं मुंडवाए, और वो कह रहे थे तेजस्वी यादव डिफेंड करके कि मेरे घर में तो रोज़ आरती होता है, रोज़ पूजा होता है, और मोदी जी तो सनातन का कोई चीज़ मानते ही नहीं है। मोदी जी सनातन का कौन चीज़ नहीं मानते हैं? क्या वे राहुल नहीं मानते हैं, मोदी हर चीज़ सनातन के मानते हैं, सनातन धर्म से। अच्छा, राम मंदिर अगर मोदी नहीं रहते हैं, राम मंदिर बनता, इस पर अभी बहुत चुनाव चलता। आप लोग कह रहे मोदी बनवा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ये तब पर भी अटका रहता, सुप्रीम कोर्ट में ही अटका रहता, ये फैसला जो जल्दी जल्दी आ रहा है, ये जल्दी फैसला नहीं आता, उस पर अटकता रहता। 2024 में फैसला अटकेगा जनता के हाथ में पर नहीं, या फिर पार हो जाएगा? नहीं, पार हो जाएगा। कितना पार हो जाएगा?
400 पार। और ना क्या लगता है देश का माहौल सनातन धर्म मजबूत हुआ है इधर 10 सालों में? माहौल सबसे अच्छा है और मोदी जी की सरकार आ रही है, इसमें कोई दोहराने की बात है नहीं। मोदी जी की सरकार आएगी, हम मोदी को वोट देंगे। बाड़मेर से कैलाश चौधरी जी हैं, बीजेपी। आप कह रहे मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी की ही सरकार आएगी। एक सवाल होगा, मोदी जी की सरकार क्यों? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया 10 सालों में? क्या नहीं किया ये पूछो, क्या नहीं किया? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं किया। आप बताइए क्या किया है? आप यहाँ रह रहे हो, इस देश में रह रहे हो, अपने पीएम ने क्या किया क्या नहीं किया आपको दिखाई नहीं। हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा भाई साहब, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। विवाद की बात अलग थी, विवाद किस बात का होगा, इसमें गलत क्या है? काम नहीं, हम अगर बताएंगे तो बोलेगा गोदी मीडिया है, काम इसलिए आप ही से पूछ रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ? काम किया है, काम अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है या नहीं? आप भी राम भक्त, राम को मानते हो, इस बिल्कुल डराने की बात है नहीं। सबसे बड़ा काम तो ये है, श्री राम जी का मंदिर बड़ा है, इसलिए वोट देंगे। बाकी काम तो बहुत है, अनेकों काम है, वो गिनाने के लिए टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ा काम है श्री राम जी का मंदिर बनाया, श्री राम जी का मंदिर बना। 2024 में भाजपा फिर से जीत जाए, आएगी, इसमें कोई डराने की बात नहीं है। बीजेपी आएगी 400 पार। कह रहे बीजेपी 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा भाई साहब। क्यों होना चाहिए 400 पार? क्या है, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे ये जो प्रधानमंत्री है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये हिंदुओं के लिए भी नहीं है, मुसलमानों के लिए भी बढ़िया है। हाँ, हम एक हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये सबके लिए ठीक है, बढ़िया है। हाँ, बाकी ये हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ताकि क्या है, आज कई सालों पहले हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया है, आज भी वही रीति चल रही है उन्हों की, एक्स के बजाय उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और उनके ऊपर अटैक करो। तो आज भी हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। और हमारा जो नज़दीकी है, जो देश है हमारा पाकिस्तान है, क्या हमारे शुरुआत से ही हमें इनके साथ अच्छी नहीं हो रही है। उसके लिए हमारे एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, जो हमारे देश में ही नहीं और विदेशों में। मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, उन्हें हर चीज़ का नॉलेज। आप कह रहे हैं मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है, तो क्या मोदी जी की 24 में वापसी हो जाएगी? 24 में होगी, और कोई है ही नहीं पार्टी उनके साथ में मुकाबला करने के लिए, कुछ है ही नहीं, कुछ कोई नहीं है कोई मुकाबला करने के लिए। आज से बहुत साल पहले अपन देखते हैं तो कांग्रेस के सामने कोई भी बड़ी पार्टी थी नहीं, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी इंदिरा के टाइम में, और बाकी उस टाइम में मतलब मौका ही नहीं मिलता था दूसरी पार्टियों को। कांग्रेस सरकार पे एक आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा कर, कोई धर्म की राजनीति नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष के बगैर तो फिर राजनीति कैसी रहेगी? ये तो राजनीति में चलता रहता है, होना है। राहुल गांधी कैसे नेता है? वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देश में ज्यादा होने लगा है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं कि भेदभाव मिटाएंगे हम सामाजिक भेदभाव। देखो राहुल जी बहुत ठीक है, राहुल जी को क्या अभी इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज कम की वजह से ये सब हो रहा है। बाकी अभी आजकल का मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से उनका क्या थोड़ा बहुत शब्द पकड़ने लगे, जो भी बोलते हैं उनको डबिंग करके पेश करते हैं अलग अलग से शब्दों को उठा उठा करके। बाकी ठीक है आदमी, परंतु क्या है इनकी इतनी चलती नहीं है, सही तरीके से ये बोल नहीं सकते हैं, सही तरीके से ये कर नहीं सकते काम का। जिस देश में आज जहाँ चल रहा है वहाँ नहीं चल सकते ये। अच्छा, मोदी सरकार के कुछ बेहतरीन काम बताइए जो मोदी सरकार ने किया हो और आपको निजी तौर पे अच्छा लगा हो, और कोई ऐसा काम जो होना चाहिए था और मोदी सरकार में नहीं हुआ है। देखो आप, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, एक तो जो कश्मीर पे लगा हुआ, जम्मू कश्मीर पे वो 370 वो हटा दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये राम मंदिर का जो उलझा हुआ था मामला, ये कई टाइम से चल रहा था, ये मोदी सरकार ने ठीक किया है। बाकी भी मोदी सरकार बहुत अच्छी काम करनी चाहती है और कर रही है, और वो कर देगी, कर देगी, बिल्कुल कर देगी। तो मोदी सरकार को एक और मौका मिलेगा क्या? मौका मिल गया, मिल गया। और ना भी नहीं हुआ, तेरा मौका मिल, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी सरकार 100% वापस आएगी, अभी नहीं अगले और 2 बार उनको मौका मिलेगा। वैसे मोदी जी पे एक चीज हमेशा कटाक्ष होते रहता है कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, मोदी का इतना लालू यादव बोला हम परिवार है मोदी के, क्यों नहीं? पूरा देश मोदी का परिवार है, किसने कहा? कितना बड़ा देश है, ये किसका परिवार है? ये मोदी का परिवार, हम मोदी के, हम हमारा मोदी देश का हमारा प्रधानमंत्री है, जो सबसे बेस्ट हो काम कर रहे हैं। और मोदी का परिवार काम नहीं है कर रहा है, काम तो अपने लिए कर रहा है, उसका कोई परिवार थोड़ी हो, हम सब हम ही परिवार है उसके। मतलब आप लोग भी मोदी के परिवार भी हैं? हम परिवार का सदस्य हैं, बस हमारा देश है और हम सब एक हैं। अच्छा, क्या एक और सवाल होगा? जी जी, कुछ साल तो आप कांग्रेस की सरकार भी देखा होगा 14 से पहले। हाँ, वो दिन और 14 के बाद के दिन में क्या अंतर लगता है आप?
देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मतलब ये काम का नज़रिया है और लोगों को देखने की जो अलग है नीति है, बाकी है ठीक ही है। उस टाइम कांग्रेस थी तो उस टाइम थोड़ी गतिविधियाँ अलग थी, आज का टाइम थोड़ा अलग है। उस टाइम कांग्रेस भी ठीक थी, गलत हम नहीं कह सकते कांग्रेस गलत थी, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का यह ऐसा माहौल बना हुआ था जिसको देश को वापस स्तर पर लाने के लिए उस टाइम कांग्रेस ने बढ़िया काम किया था। आज का माहौल है जो बीजेपी का है, क्योंकि आज के टाइम में और कलयुग नया युग हो गया है, इस नए युग में फिर नया आदमी चाहिए। जैसे भाजपा में सबसे बेहतर नेता आपको कौन लगते हैं, सबसे बढ़िया नेता? भाजपा का सबसे बेहतर नरेंद्र मोदी के अलावा है ही कोई नहीं। नरेंद्र मोदी के अलावा सबसे बेस्ट तो वही है, वही। बाकी योगी ठीक है, यूपी के अंदर आप देख लो, फिर आज से कई टाइम पहले तो आम इंसान का फिरना सही नहीं था, उन्हें लूट लिया जाता था, चुप्पू बिठा के पैसे ले लेते हैं। आज योगी की वजह से आज बहुत अच्छा चल रहा काम, वहाँ हम खुले घूम सकते हैं, किसी प्रकार कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अकेले घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, रात दिन कभी भी। अच्छा, आपको लगता है सनातन धर्म को मजबूती मिली है मोदी सरकार? बिल्कुल मिली है, और आज़ादी मिली हमें एक तरह की अभी जाकर, क्योंकि आप यहाँ आगरा वगैरह में घूम ही नहीं सकते थे, ठीक है ना, यहाँ अपन कभी नहीं घूम पाते, ये योगी की वजह से ही हम